पीएमसी के लिए जो एमडी कहता था, मैंने देखे बहुत सारी चीजें की उनके साथ, मैंने उनको खत लिखा, मैंने उनको जो है मैंने डॉक्टर्स की एक बीसीस की टीम एक भेजी कि आप उन्हें समझाएं। हमारा मसला ये नहीं है कि एक तो मैं उस पर भी बात करूँ कि ये जो उन्होंने नफी कर दी हमारी चीज़, और मुझे अभी उनका खत मिला है 2-3 दिन पहले कि जी हम नहीं चाहते कि हाँ आप 25 से नीचे करें, 65 से नीचे करें, सॉरी 65 से नीचे करें, क्योंकि हम जो है मयार बढ़ाना चाहते हैं। जब आप इंटरमीडिएट का जो मयार बढ़ाएं और उससे स्टूडेंट्स आए, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है एंट्रेंस टेस्ट की। एंट्रेंस टेस्ट क्यों करवा रहे हैं, यानी आपको अपने इंटरमीडिएट की रिजल्ट पे भरोसा नहीं, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद ही जाते हैं ना बच्चे। और दूसरा ये है कि आप जो है इनको इंडक्ट कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल यूनिवर्सिटी। मेडिकल यूनिवर्सिटी का मयार इतना अच्छा है कि जो डॉक्टर्स निकल रहे हैं बेहतर तरीके से निकल रहे हैं, वो बाहर जाके काम भी कर रहे हैं बाहर मुल्कों में। अगर आप अपने, और फिर उन्होंने एक और टेस्ट लगाया है जिसका लाइसेंसिंग टेस्ट उन्होंने कहा है, वो लाइसेंसिंग टेस्ट देंगे आफ्टर आप MBBS के बाद। अभी ये लाइसेंसिंग टेस्ट का मतलब ये है कि आप आप किधर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम तो पहले से कह रहे हैं कि SMD जब BMTC था उसमें कोई लाइसेंसिंग टेस्ट नहीं था, हमारा सिर्फ ये होता था कि MBBS कर लिया आपको एक रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे देने पड़ते थे, वो रजिस्टर कर लेते थे आपको और आप फिर प्रैक्टिस कर सकते थे, क्योंकि आपने आपने ना सिर्फ MBBS पास किया होता था, आपने अपनी इंटर्नशिप भी की हुई होती थी और हॉस्पिटल में इंटर्नशिप। अभी इन्होंने इस तरह से तब्दीली लाए हैं PMC के एक्ट में कि इन्होंने ये सारी चीज़ें कर दी हैं जो हमारे हमें नागवार है, क्योंकि हमारे ऊपर बड़ा जो है दूरअंदेशी से नहीं देखा इन्होंने कि हमारी जो डॉक्टर्स की तादाद है वो किस तरह से पूरी हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो कह रहे हैं कि हम इनकी इनको हम रिकग्नाइज नहीं करेंगे, लेकिन ये 4 साल के बाद ये डॉक्टर्स बनेंगे ना, तब तक इनकी हुकूमत रहे या नहीं रहे, तो आप देख लें जो भी हुकूमत आएगी वो जरूर इसके इस एक्ट को नफी करेगी और इन सब डॉक्टर्स को जो है वो करेगी। और दूसरा ये जो है कि क्यों इस मुस्लिम फैमिली में कि 4 साल बाद भी यही रहेंगे और ये यही कानून उनको लागू होगा, और ये जो उन्होंने जोरी जबरदस्ती जॉइंट सेशन में बिहार नेशनल असेंबली ने इसको रद्द किया, सेनेट ने इसको रद्द किया, और फिर इन्होंने जॉइंट सेशन बुला के जबरदस्ती ये पास कर दिया ये लॉ। तो ये किस तरह समझते हैं कि ये लॉ सस्टेन रहेगा आगे चल के जब नई हुकूमतें आएंगी। और दूसरी चीज जो ये कह रहे हैं कि इनको हम रजिस्टर नहीं करेंगे, ये देखिए 4 साल ये बच्चे काम करके आएंगे, इनके इसके बाद ये इनका क्या हक